हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की बेसिक की कुछ और बातें बताएंगे। उससे पहले भी हमने कुछ डिटेल्स दी हैं, तो वो आप हमारी वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे इंट्राडे डिलीवरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारी चीजें आपको बताएंगे। तो गुप्ता जी, डिलीवरी इंट्राडे होता क्या? खन्ना जी, डिलीवरी क्या होती है कि आपने आज कोई शेयर लिया और दो दिन बाद वो आपके डीमैट में आ जाएगा, वो उसे डिलीवरी कहते हैं। आपने आज कोई शेयर लिया, दो दिन बाद डिलीवरी आई, उसकी पेमेंट आपने दी और वो आपका शेयर हो गया, वो आपके डीमैट में आ जाएगा। आप उसे फिर कभी भी बाय सेल जैसे करना हो वो कर सकते हो। और इंट्राडे क्या होता है खन्ना जी? इंट्राडे में होता है कि आपने आज शेयर लिया और आज ही बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टाटा स्टील का शेयर लिया, 100 रुपये चल रहा है आजकल, 100 रुपये पे लिया और वो सेम डे 102-103 हो गया, आपने 3 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया उसमें, तो वो 3 रुपये आपका इंट्राडे प्रॉफिट कहलाएगा। अब वही आपने स्टॉक बाय किया और नीचे आ रहा है और आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 98-97, या आप चाहते हो कि इससे नीचे जाए तो मेरा लॉस बुक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो वो आपका 2 या 3 रुपए इंट्राडे लॉस कहलाएगा। तो ये स्टॉप लॉस होता क्या है खन्ना जी? स्टॉप लॉस होता है कि आपने 100 रुपए में, जैसे टाटा स्टील का मैंने या कोई भी शेयर आप एग्जाम्पल ले लो, 100 रुपए का लिया, क्या होता है हम बाय करते हैं और उसे देखते रहते हैं, वो 100 से 90 भी हो जाता है, 100 से फिर 80 हो जाता है, तो वो हम देखते रहते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है कि आपने 100 रुपए में बाय किया कोई शेयर और आपने दिमाग में रख लिया कि 98 आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो आपने अपने टर्मिनल पे, अपने मोबाइल ऐप पे स्टॉप लॉस लगाया, उससे क्या होगा 98 आया वो आपका लॉस बुक हो गया। आपने क्या किया, आपने 18 रुपए बचा लिए, या 80 रुपए पे आप बेचते वो आपने 18 रुपए बचा लिए, 2 रुपए का लॉस बुक कर लिया। तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, आप चाहे इंट्राडे करो, चाहे डिलीवरी करो, चाहे लॉन्ग टर्म करो, चाहे शॉर्ट टर्म करो, आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। अब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है गुप्ता जी? खन्ना जी, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म डिलीवरी में आएगा, ठीक है, इसमें इंट्राडे कुछ नहीं है। आपने आज कोई शेयर लिया, सपोज आपके माइंड में है कि ये शेयर ऊपर जा रहा है, तो आपने आज शेयर लिया, वो आपने 4 दिन बाद बेचा, 5 दिन बाद बेचा, महीने बाद बेचा, 2 महीने बाद बेचा, तो ये एक तरह से शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आते हैं। इसमें एक कैटेगरी होती है BTS की, बाय टुडे सेल टुमारो, ये भी शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आई। ये ज़्यादातर क्या देखा जाता है, इसमें टेक्निकल चार्ट देखे जाते हैं, ठीक है ना, कि चार्ट पे हमें लग रहा है कि 10 दिन में ये बढ़ सकता है शेयर या 15 दिन में बढ़ सकता है, तो इसे बाय कर लो या सेल कर लो, जैसे भी आपका फ्यूचर आप सेल करके रख सकते हो शॉर्ट टर्म में, तो वो कर लो। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्ट टर्म डिलीवरी, और दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या है कि आपने आज कोई शेयर लिया और आपका माइंड है यार ये मैं रखूंगा, कई लोग तो शेयर रखते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, उनके, वो भी एक तरह से लॉन्ग टर्म हुआ, आपका माइंड है कि कम से कम 1 साल तो रखूंगा, 2 साल तो रखूंगा, तो ये लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आते हैं। लॉन्ग टर्म में लोग ज्यादातर क्या देखते हैं, टेक्निकल्स चार्ट से ज्यादा वो फंडामेंटल्स देखते हैं कि ये कंपनी आगे चल के क्या करेगी, क्या इसका फ्यूचर क्या है, तो ये सारी फंडामेंटल चीजें ज्यादातर देखी जाती हैं लॉन्ग टर्म शेयर सिलेक्ट करने के लिए। लॉन्ग टर्म में एक और बेनिफिट है, कोई चाहता है कि यार मुझे एक साथ पैसे नहीं लगाने, तो लॉन्ग टर्म में लोग क्या करते हैं, स्टॉक SIP भी चालू कर देते हैं आजकल। अब ये स्टॉक की SIP भी होती है क्या? म्यूचुअल फंड की तो होती है। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड की तो SIP होती है, उसकी डिटेल हमने व्यूअर्स को दी भी है सारी। स्टॉक SIP में क्या है कि आपने कोई स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल ये टाटा स्टील का स्टॉक है, ये मुझे हर महीने लेने, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे ये शेयर ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपने एक डेट सिलेक्ट करी। आप इसे दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, या तो अमाउंट वाइज सिलेक्ट कर लो कि 5,000 रुपये मेरा इसमें जाएगा, या आप सिलेक्ट कर लो कि मुझे ये 10 शेयर हर महीने लेने, आप दोनों चीज़ों तरीके से कर सकते हो। ये हर महीने आपने डेट डिसाइड करी, हर महीने आपके बाय होते रहेंगे SIP की तरह, म्यूचुअल फंड की ऐसे ये स्टॉक SIP भी होती है। इसमें जो आजकल सबसे ज़्यादा ग्रोथ चीज़ें कर रही है वो कर रही है लोग SIP लगा रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स के स्टॉक्स में, तो उसमें बहुत ज्यादा SIP लग रही है आजकल। अब ये निफ्टी, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कुछ निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी क्या होती है? खन्ना जी देखिए, NSE में होते हैं 1600 स्टॉक्स, ठीक है, निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी इंडेक्स है तो वो जो टॉप के 50 स्टॉक्स हैं वो लेता है, रिलायंस हो गया आपका, इंफोसिस हो गया, और भी अलग अलग तरह के 50 स्टॉक्स ले गए। जैसे 50 स्टॉक्स की मूवमेंट होगी वैसे निफ्टी की मूवमेंट होगी, तो लोगों ने ये टॉप के 50 स्टॉक्स सिलेक्ट किए, 50 में से कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किए, वो इसकी SIP लगाते हैं। ऐसे ही आपका हो गया बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में टॉप के बैंकिंग सेक्टर के 12 स्टॉक्स होंगे, उनकी मूवमेंट के हिसाब से बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होगी। ऐसे ही सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स 30 स्टॉक्स लेता है, तो वो जो भी टॉप के 30 स्टॉक्स होंगे उसके हिसाब से वो ऊपर नीचे होगा। तो गुप्ता जी ये सब तो बता दिया आपने हमारे व्यूवर्स को, अब ये भी बताइए किसी को शॉर्ट सेल करना है तो वो क्या होता है फिर? खन्ना जी शॉर्ट सेल ना, हम देखिए एक तो हो गया कैश के स्टॉक्स, ठीक है, आप उसे इंट्राडे में तो सेल कर सकते हो, इंट्राडे में आपने सेल किया, आजकल कंपनीज का तो रूल है 3:15 बजे ऑटोमेटिक पोजीशन केयर ऑफ हो जाएगी कैश का स्टॉक है तो। लेकिन शॉर्ट सेल में तब भी आपको थोड़ा केयर रखना है,
क्यों? क्योंकि कई बार ना उसमें अपर सर्किट लग जाता है, उससे क्या होता है वो आपका बाय नहीं होता पूरे दिन, और वो आपका अगले दिन उसमें चला जाएगा ऑक्शन पे। अगर आपने उसकी डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कराई तो वो आपका ऑक्शन में चला जाएगा, और ऑक्शन में आपको पेनल्टी भी लगेगी, आपका लॉस में भी बाय होगा। तो आप शॉर्ट सेल अगर कैश के शेयर कर रहे हो तो वो आप थोड़ा देख के करो, और उसे कोशिश करो कि 3:15 से पहले आप निकल जाओ, ठीक है। दूसरा शॉर्ट सेल हो गया खन्ना जी फ्यूचर में, फ्यूचर में आप कर सकते हो शॉर्ट सेल। आज आपने सेल किया, जब तक उसकी एक्सपायरी है मंथ एंड तक, तब तक आप उसे होल्ड कर सकते हो। तो ये तो आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म उसको सेल करके रख सकते हो, ये हो गया आपका शॉर्ट सेल। गुप्ता जी आजकल लोग आईपीओ भी करते हैं बहुत, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि आईपीओ क्या होता है, किस लिए कंपनी निकालती है, क्या है आईपीओ की भी कुछ डिटेल दीजिए। बिल्कुल खन्ना जी, देखिए आईपीओ हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी है, कंपनी अच्छा चल रही है, अब उसे एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है आईपीओ निकाल देती है। वो मार्केट से पैसा उठाती है, रिटेलर्स हो गए इसमें, और आपके QIBs हो गए, NIs हो गए, उनसे पैसा उठाती है। और खन्ना जी आईपीओ आजकल चल इसलिए रहा है क्योंकि उसमें ना लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिल रहा है। लिस्टिंग आपने कुछ नहीं किया, आपका सिर्फ पैसा थोड़े दिन के लिए ब्लॉक होता है, लिस्टिंग गेन होता है 30-100% तक उसमें लिस्टिंग गेन होता है। अच्छा, इसे मैं तो इसे मानता हूँ फ्री का पैसा, कि आपने कुछ भी नहीं किया, जीरो रिस्क है। जीरो रिस्क सिर्फ उस केस में है जिस आईपीओ अच्छे आईपीओ में अगर आप लगा रहे हैं, आप कोई बेकार आईपीओ में लगा रहे हैं तो देखिए रिस्क है, अदरवाइज मैं इसे फ्री का पैसा मानता हूँ। और मैं सिर्फ उसमें आईपीओ में लगाता हूँ जिसमें मुझे उम्मीद होती है कि लिस्टिंग गेन अच्छा होगा। आप तो चलो लिस्टिंग गेन भी देखते हो, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी देखते हो, लेकिन मैं सिर्फ उस आईपीओ में लगाता हूँ जिसमें मुझे लगता है लिस्टिंग गेन होगा। मैं और किसी आईपीओ में अपना पैसा नहीं लगाता, मैं उसे फ्री का पैसा मानता हूँ। हम बताते भी अपने व्यूअर्स को वीडियो, हाँ बिल्कुल आईपीओ के बारे में। बिल्कुल गाइज, हम आपको सारे अपडेट देते हैं उसमें, क्या आईपीओ आ रहा है, क्या उसमें करना चाहिए, हम वो भी बताते हैं आपको। तो आप हमारे सारे आईपीओ की डिटेल जरूर देखा कीजिए। तो चलिए गाइज, आपको अगर ये हमारी स्टॉक मार्केट की नॉलेज की वीडियो कुछ पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वहां साथ बने रहिए। ओके बाय।